यमुनानगर से एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां विश्वकर्मा चौक पर एक तेजी से आ रहे ट्रक ने पहले एक सवारी से भरे ऑटो को टक्कर मार दी और फिर दूसरे ऑटो से टकराते हुए एक पुलिया से जा टकराया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगने के बाद ऑटो डिवाइडर के पार जाकर गिरा। वहीं स्थानीय लोग जब ट्रक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रक चालक नशे में धुत था, जिसे देख गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला और उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। हालांकि हादसे को देखते ही मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच गई और लोगों की भीड़ से चालक को छुड़वाने में जुट गई। मेरी तो गड्डी साइड में खड़ी थी, लाया गड्डी लाके पीछे से ठोक के सारी गड्डी खत्म कर दी मेरी तो। इसने पता नहीं समझ भी रखी इसने क्या कर, मेरी भी तो खत्म हो गई, दो टाइम उसके साथ और टाइम खत्म कर दिया, पहले तो मेरी दो टाइम खत्म कर दिया जी, बंदे बच गए जी, बंदे बच गए। वहीं पुलिस जैसे तैसे चालक को पुलिस बूथ में लेकर गई, लेकिन लोगों का गुस्सा वहां पर भी कम नहीं हुआ और वहां भी उन्होंने चालक की पिटाई कर दी, क्योंकि चालक नशे में था और वो लोगों से अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा था। ये उधर से आते हुए इसने देखा, हमने देखा कि एक ना पहले तो ऑटो में टकरा गया, उसके बाद एक दूसरी गाड़ी में टकराया, वो भी डिवाइडर पार करके पहले तरफ गिर गया और ये तो नाले में गिरने लगा था, हमने तो देखा जब। लेकिन ये है कि लोगों ने जब देख के इसको फिर थोड़ा सा बचाव हो गया, उसमें गालियां भी दे रहा था और नशे में भी लग रहा था कि जैसे इसने नशा भी किया हुआ, गालियां तो सब बहुत गालियां देने लग गया। लोगों ने तो इसको मारने की कोशिश की, मारने लगे थे इसको, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।